इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के उन सबसे खतरनाक पक्षियों को जो आसमान पर करते हैं राज, जो इतने ताकत पर होते हैं कि धरती से इंसानों को अपनी चोंच में दबाकर अपने साथ उठा ले जाएं। तो आइए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो बिना किसी टाइम पास के। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये नेक काम कर लें। कैसोवरी, ये है कैसोवरी, जिनके पैर के पंजे किसी खंजर से कम नहीं होते। इस पक्षी के पैरों के अंगूठे में अंदर की तरफ छुरे जैसा एक पंजा होता है, जो इतना खतरनाक होता है कि जिससे ये किसी भी इंसान का पेट तक चीर सकता है। जब ये पक्षी अग्रेसिव हो जाता है तो ये सीधे अपने पंजों से हमला करके अपने दुश्मनों को आसानी से हरा सकता है। ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी अफ्रीका के गिनी देश में पाए जाते हैं। इस पक्षी के शरीर के ऊपर नीले रंग के धब्बे होते हैं। फीमेल कैसोवरी का एवरेज वेट 59 किलोग्राम और मेल कैसोवरी का वजन 34 किलोग्राम तक होता है। ये पक्षी अपने परिवार के साथ रहना पसंद करता है। इन्हें स्विमिंग बहुत अच्छे तरीके से आती है और ये मछली खाते हैं। इन्हें पानी के आसपास रहना पसंद होता है। इनकी आंखें बहुत खतरनाक होती हैं। इन्हें देखने पर हमेशा ऐसा लगता है कि ये कभी भी हमला कर सकती हैं। यही वजह है कि जल्दी इनके साथ कोई उलझना नहीं चाहता। इनके सिर पर एक कैस्क्यू होता है जो देखने में किसी मुकुट जैसा लगता है। दरअसल ये कैस्क्यू इनके सिर पर चोट लगने से बचाता है। इस पक्षी के इतना हिंसक होने के बाद भी पुराने जमाने में लोग इसे मांस और पंखों के लिए पालते थे, मगर ये पक्षी कबूतर या मुर्गियों की तरह छोटा या पालतू नहीं बल्कि बड़ा और वॉयलेंट है। द हाफ-ईगल, ये पक्षी हाफ-ईगल जिसे किंग ऑफ स्काई कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों की इस प्रजाति से आते हैं। हाफ-ईगल पनामा के राष्ट्रीय पक्षी हैं और ये सबसे ज्यादा सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। खतरे के समय ये पक्षी 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। ये 42 इंच तक बड़े हो सकते हैं और इनके पंख 7.5 फीट तक लंबे हो सकते हैं। हाफ-ईगल्स का वजन 20 पाउंड्स यानी कि लगभग 9 किलो होता है। इसमें फीमेल हाफी मेल हाफी से ज्यादा बड़ी होती है, यानी दोगुने वजन की। इस पक्षी के पंजे ही 3 से 4 इंच के होते हैं, जो एक भालू के पंजे से भी बड़े हैं। हार्पीज इतने ताकतवर होते हैं कि ये बर्ड, बंदर या इंसानी बच्चे को अपने पंजे में उठाकर उड़ सकते हैं। ये लगभग 8 किलो तक वजन उठा सकते हैं। एक बार फंसने के बाद इनके पंजे से किसी का निकल पाना मुश्किल है। अफ्रीकन क्राउन ईगल, अफ्रीका के सबसे ताकतवर शिकारी पक्षियों में एक है क्राउन ईगल, जो दिखने में काफी खूबसूरत, फुर्तीले, ताकतवर और लंबे पंखों वाले पक्षी हैं। शिकार करने की उनकी टैलेंट गजब का है। ये काफी आसानी से अपने वजन से ज्यादा वजनदार जीवों का शिकार करते हैं। साउथ ईस्ट अफ्रीका के हरे भरे जंगलों, पहाड़ों और पर्वतों और घास के मैदानों में पाए जाने वाला ये शक्तिशाली पक्षी दुनिया का 5वां सबसे लंबा और बड़ा ईगल है। ये पक्षी एक ईगल की प्रजाति का है। इन पक्षियों के बड़े और मजबूत पैर होते हैं। उनके हर एक पैर की उंगली पर लंबे पंजे होते हैं, जिसमें शिकार को पकड़ने के लिए हथियारों की तरह एक सेट होता है। ये पक्षी अपने साइज से 7 गुना ज्यादा वजन वाले जानवरों को मारने में कैपेबल होते हैं। ये पक्षी 5 से 5.9 फीट के बीच लंबा होता है, लेकिन इनके पंख की लंबाई कम चौड़ाई से ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास कई सर्कुलर विंग्स होते हैं। दिखने में इस पक्षी के ऊपर के हिस्से भूरे और काले रंग के होते हैं। इनकी पूंछ ज्यादातर 30 से 41 सेंटीमीटर की होती है और पूंछ में काले और भूरे रंग का मिश्रण होता है। इन पक्षियों का गला भूरे रंग का होता है, जबकि पेट का रंग और स्तन काले रंग के और सफेद रंग के छोटे छोटे धब्बे होते हैं। इनकी उड़ने वाले सफेद पंख होते हैं और इनकी आंखें पीले रंग से लेकर लगभग सफेद तक हो सकती है। ये पक्षी अपने शिकार करते समय 100 मील प्रति घंटे की तेज गति से उड़ता है, जो बाजों में सबसे तेज होती है। ये ईगल 100 मील प्रति घंटे की गति से हवा में गोता लगा सकता है। ग्राउंड ईगल दुनिया के सबसे क्रूर पक्षियों में शुमार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पक्षी जंगल के जानवरों जैसे मॉनिटर, छिपकली, सांप, खरगोश, गिलहरी, नेवला, जंगली बिल्लियों का आसानी से शिकार कर लेती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना खतरनाक शिकारी है। ये फियरलेस शिकारी है, जो किसी भी जानवर पर हमला करने के लिए बिल्कुल भी नहीं झिझकते। हैरिंगल, ये पक्षी सिर्फ देखने में ही काफी शांत और स्वीट है, वरना इनके कारनामे तो काफी डरावने हैं। यूरोपियन हैरिंगल इंसानों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। ये अक्सर भोजन हथियाने की कोशिश में अपने झुंड साथ इंसानों पर हमला करते हुए देखे गए हैं। इनके हमलों में इंसानों को काफी गंभीर चोटें पहुंचती हैं। ये ज्यादातर टीम के साथ ही हमले करते हैं।
अगर आपको ये पक्षी अपने झुंड के साथ आते दिखे तो फौरन वहां से दूर हो जाइए, आपकी इसी में भलाई है। जैसे हम किसी मुसीबत में फंसते हैं और अपने दोस्तों या करीबियों को याद करते हैं, ठीक वैसे ही ये अगर किसी प्रॉब्लम में घिरते हैं तो हेल्प के लिए इनका पूरा का पूरा कुनबा ही मौके पर पहुंच जाता है। बाल्ड ईगल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। बाल्ड नाम ये सुनकर मत समझ लेना कि इंसानों की तरह गंजे होते हैं, असल में इसके सर पर बहुत कम पंख होते हैं, इसलिए इसका नाम बाल्ड ईगल रखा गया है। सभी प्रकार के बाज पक्षियों में बाल्ड ईगल सबसे बड़े आकार का होता है। बाल्ड ईगल सिर्फ नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में ही पाया जाता है। ये शानदार शिकारी पक्षी उत्तरी अमेरिका में अलग अलग प्रकार के जंगलों और आवासीय क्षेत्रों में रहता है। मछली इसका प्रमुख भोजन स्रोत है, लेकिन बाल्ड ईगल छोटे जंतुओं का शिकार करने और मृत जानवरों का मांस खाने के लिए जाना जाता है। बाल्ड ईगल का घोंसला बहुत बड़ा होता है। इसके घोंसले का साइज 5 से 6 फीट तक हो सकता है और इस घोंसले की गहराई 2 से 4 फीट तक होती है। जिस पेड़ पर घोंसला बनाया जाता है अगर वो मजबूत है तो बाल्ड ईगल इस घोंसले का कई बार इस्तेमाल करते हैं। हर साल ये इस घोंसले को थोड़ा और बड़ा करते हैं और मजबूत करते हैं, इसलिए हर साल इनके घोंसले बड़े होते जाते हैं। बाल्ड ईगल की आंखों में 2 फोकस होते हैं जिससे कि ये सामने और आसपास दोनों तरफ एक साथ देख सकते हैं। नर बाल्ड ईगल मादा बाल्ड ईगल से 25% छोटा होता है। शिकार करते वक्त गोता लगाते हुए बाल्ड ईगल की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अमूमन उड़ते हुए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं। कैलिफोर्निया कॉन्डोर सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। कैलिफोर्निया कॉन्डोर इनका वजन आमतौर पर 9 से 11 किलो तक होता है और इसके पंख का फैलाव लगभग 9.5 फीट होता है। ये पक्षी 60 साल तक जीवित रह सकते हैं। मैच्योर कॉन्डोर्स हर एक पंख के नीचे एक सफेद ट्रायंगुलर निशान के साथ काले होते हैं। हर एक पंख के सिरे पर लगे पंख बाहर की ओर फैले होते हैं जो अंकों के रूप में दिखाई देते हैं। एक व्यस्क के सर पर गुलाबी नारंगी रंग होता है और किशोर के सर पर गहरे रंग होते हैं। ये काफी ताकतवर और इंटेलिजेंट पक्षी हैं। कैलिफोर्निया के कॉन्डोर उड़ते समय शायद ही कभी अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए एनर्जी को बचाते हैं और वो कई घंटों तक हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। कॉन्डोर 15,000 फीट तक ऊंचाई पर आराम से उड़ते हैं। उनकी नजरें काफी तेज होती हैं। कैलिफोर्निया के कॉन्डोर भी समुद्र तल से 6,000 फीट तक की ऊंचाई पर घोंसला बनाना पसंद करते हैं। ये घात लगाकर शिकार करते हैं और अपने साइज से दोगुने जानवरों पर पंजा मारने से परहेज नहीं करते। तो इसी के साथ वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।